नगर संघ की संदिग्ध मौत के मामले में हिंदू संगठनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। विश्व हिंदू परिषद महानगर मुरादाबाद के बैनर तले महानगर अध्यक्ष एडवोकेट प्रभात गोयल के नेतृत्व में शहर के संत समाज और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी की और नगर सत्य रामदास की हुई संदिग्ध मौत की विश्वसनीय अधिकारी के नेतृत्व में घटना की जाँच की मांग करी। यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। आपको बता दें कि नगर के प्रतिष्ठित संत एवं समाज सेवी संत रामदास रामगंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के संस्थापक की विषम परिस्थितियों में हुई संदिग्ध मौत से महानगर के हिंदू संगठनों और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करते हैं। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में मुख्य रूप से सतीश कुमार अरोड़ा, अंकित गुप्ता, रोहित सक्सेना, मोहित वरुण शर्मा, गौरव वाल्मीकि, प्रभात गोयल, कथावाचक धीर शांत दास, रोहित राजपूत, दिवेश कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जो आप परिदृश्य देख रहे हैं तो हमारे पूरे भारतवर्ष में जगह जगह संतों को निशाना बनाकर उन पर आक्रमण किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उसी की कड़ी में हमारे मुरादाबाद में संत रामदास जी के साथ ही अनहोनी घटना हुई है। हम विश्व हिंदू परिषद और उनके समस्त अनुसंगी संगठन एक ही मांग करते हैं कि इस संदिग्ध मामले का न्यायपूर्ण विवेचना हो और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको कठोरतम से कठोरतम कारावास हो ताकि हमारा संत समाज भयमुक्त रह सके और हम अपने अपने धर्मों का पालन करें। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद महानगर एवं विभाग के द्वारा यह प्रदर्शन और प्रशासन को ज्ञापन देने का कार्य इसलिए किया जा रहा है कि अभी 3 दिन पूर्व शहर के समाज सेवी एवं संत गुरु रामदास जी का यहाँ मृत्युशप प्राप्त हुआ। मृत्युशप जिस परिस्थितियों में प्राप्त हुआ है उसमें जांच होनी अनिवार्य है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी पूर्ण जांच की जाए किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा या अधिकारियों के किसी दल द्वारा और यदि उसमें पाया जाता है कि संत की हत्या की गई है तो हत्यारों के विरुद्ध